अपने YouTube चैनल चैकपुर पे तो सुबह से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारे पेपर्स में ये अपडेट दिया गया है आपके मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम को लेकर के। क्या है ये अपडेट, आपको इस वीडियोस में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए और जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या है आज का ये न्यूज़ और आज का ये अपडेट। देखिए, अपडेट ये निकल कर आ रही है कि मार्च में होगी ऑफलाइन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। कब होगी? मार्च में होगी। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आयोजन मार्च के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, मार्च के आखिरी सप्ताह का मतलब होता है कि 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में। ठीक है, जैसा कि एक डेट निकल कर आया था आप लोगों का 29 मार्च का, तो कन्फर्म रहिए कि हो सकता है कि 29 मार्च को ही होगा। ठीक है, तो किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से जैक को आदेश दे दिया गया है। ठीक है, शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में परीक्षा ऑनलाइन आयोजित, राज्य में परीक्षा जो है ऑफलाइन आयोजित होगी, यानी ऑनलाइन आप लोगों का परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इस बार परीक्षा में दो सत्रों के बीच छात्रों को एक दिन का समय दिया जाएगा, यानी आज आपका परीक्षा हुआ है तो कल नहीं होगा, फिर परसों होगा। ठीक है, इस तरह से परीक्षा अल्टरनेट चलेगा, हर एक मैट्रिक वालों का भी, इंटर वालों का भी। परीक्षा के नए प्रारूप में होगी। नए प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा, यानी परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दिसंबर और मार्च में होने वाली परीक्षा एक साथ दो टर्म में होगी, यानी जो परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी और मार्च में होने वाली थी, दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म होने वाला था, मार्च में आपका सेकेंड टर्म होने वाला था, अब इन दोनों परीक्षाओं को एक साथ लिया जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 80 में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा होगी और परीक्षा होगी अनुरूप होगी OMR सीट पर ली जाएगी, यानी प्रथम चरण की जो परीक्षा 80 में से 40 नंबर का आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो OMR पर होगा, यानी आपको फिल करना होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके। ठीक है, दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो उत्तर पुस्तिका पे होगी, आपको आंसर की मिलेगा, उसमें आपको लिखना होगा हैंड राइटिंग से, है ना, उसका आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, ये दूसरे चरण की परीक्षा होगी, दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या 5 भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप निश्चित रहिए 4 ऑप्शन ही आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही आंसर रहेगा आपको OMR पर उसको कलर करना होगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और दूसरे चरण की परीक्षा लघु व दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी, है ना, 40 नंबर की, वो आपका उसमें लिखने वाला आएगा, है ना, उसमें आपको लिखना है, यानी टोटल 3 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। 1.5 घंटा आपका OMR के लिए, जिसपे आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, और फिर आपका 40 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।